नमस्कार मित्रों, मैं प्रेम नेनीवाल आप लोग का फिजिक्स टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करने की विधियों के बारे में पढ़ा था और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग उसकी अंतिम विधि पढ़ेंगे कि प्रकाश को पोलराइड के द्वारा एक युक्ति के द्वारा उसे ध्रुवित किया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोलराइड की। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पोलराइड को। यानी इससे पहले के वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि जो प्रकाश का ध्रुवण है वो परावर्तन के द्वारा किया जा सकता है, यानी कि अगर किरणों का परावर्तन करवाया जाए तो ध्रुवण हो सकता है, अपवर्तन से उसका ध्रुवण हो सकता है, और दूसरा द्विअपवर्तन जो होता है, द्विअपवर्तन उससे भी उसका ध्रुवण करवाया जा सकता है। आज हम फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि पोलराइड क्या होता है, और पोलराइड एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। और अगर हम आरबीएससी की बात करें तो आरबीएससी 2017 में यह सीधा सवाल यहां से पूछा गया है कि पोलराइड क्या है या पोलराइड के क्या उपयोग है। तो सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि पोलराइड है क्या। तो पोलराइड एक ऐसी युक्ति है जिससे कम लागत में अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है। अच्छा, जो भी प्रकाश सूर्य से आता है या जो सामान्य प्रकाश होता है, उस सामान्य प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित करना है। और ये एक युक्ति है, जिस तरीके से निकोल प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा है कि वो युक्ति है, वो अध्रुवित को ध्रुवित करती है, ठीक वैसे ही पोलराइड भी एक युक्ति है जो अध्रुवित प्रकाश को सीधा ध्रुवित करती है। तो सबसे पहले ये जानिए कि ये बनती कैसे है, अच्छा किस प्रकार से ये बनी होती है। तो सबसे पहले यहां पे मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ कार्बनिक अणु होते हैं, कार्बनिक क्रिस्टल होते हैं, ऐसा मान लो कार्बनिक क्रिस्टल, और उन कार्बनिक क्रिस्टलों का नाम मैं आपको बता दूं कि वो असल में होते हैं कुनेन के आयोडोसल्फेट। कुनेन के आयोडोसल्फेट और इसके छोटे छोटे क्रिस्टल लिए जाएंगे, और क्या किया जाएगा कि इन क्रिस्टलों को एक पतली फिल्म पे फैला दिया जाएगा। भी एक पतली फिल्म होती है, और फाइनली हम अगर हम कहें तो नाइट्रोसेलुलोज से बनी हुई एक फिल्म होती है, और उस फिल्म पर क्या करेंगे कि कुनेन के आयोडोसल्फेट के कार्बनिक पदार्थ होता है ये, तो उसके छोटे छोटे से क्रिस्टल लिए जाएंगे, और उन क्रिस्टलों को जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, उन क्रिस्टलों को इस तरीके से उस पतली फिल्म पर, ठीक है ना, बिछा दिया जाएगा, उन्हें फैला दिया जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये जो फिल्म आप देख रहे हो, जिस तरीके से ये फैलाए गए हैं, जिस तल में ये रखे गए हैं, उस फिल्म का नाम भी क्या है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और वो है नाइट्रो सेल्यूलोज। नाइट्रो सेल्यूलोज ये एक फिल्म होती है जिस पर इन अणुओं को, उन्हें इनके आयोडोसल्फेट के अणुओं को, इनके क्रिस्टलों को फैला दिया जाता है। अब क्या होगा कि जो भी प्रकाश यहां से आपतित होता है, और हम ऐसा कहते हैं कि वो प्रकाश सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के कंपन वाला प्रकाश होता है, यानी हम कहें तो वो अध्रुवित प्रकाश होता है। तो जब भी अध्रुवित प्रकाश इस पोलराइड पर आपतित करवाया जाएगा, तो असल में ये किस तरीके से इसको ध्रुवित करेगा, जैसे मैं इन दोनों अणुओं को मान के चलता हूं कि यहां पे ये दोनों अणु है और ये अब काम कर रहे हैं, तो जैसे ही प्रकाश यहां से गुजरेगा तो हमें पता है कि एक अध्रुवित प्रकाश में सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के कंपन होते हैं, वो इस तरीके से कंपन करता हुआ आगे बढ़ता है। लेकिन जब भी ये प्रकाश इन दोनों अणुओं के मध्य से गुजरेगा तो क्या होगा, ये इस तरीके से गुजर रहा होगा, तो यहाँ पे जो भी कंपन क्षैतिज तल में जो कंपन है वो कंपन यहाँ पे आर पार हो जाएंगे, लेकिन जो लंबवत तल में ये जो कंपन है, ये प्रकाश तो सभी दिशाओं में कंपन कर रहा है, तो ये वाला कंपन है, जैसे कि ये वाला कंपन है, ये वाला कंपन है, ये सारे के सारे कंपन यहाँ पे रुक जाएंगे। और होगा क्या कि अब जो क्षैतिज तल में विद्युत क्षेत्र का जो कंपन हो रहा है वो कंपन यहाँ पे पार हो जाएगा, और जो भी निर्गत प्रकाश यहाँ से होगा उसे अगर हम देखेंगे तो एक साइड ही उसके कंपन होंगे, जैसे कि ये जो क्षैतिज जो तल है उसमें कंपन होंगे इस तरीके से, तो ये कंपन यहाँ से आर पार हो जाएंगे। तो यहाँ तो सभी दिशाओं में कंपन थे, लेकिन यहाँ केवल एक ही दिशा में कंपन है, इसीलिए हम कहेंगे कि प्रकाश अध्रुवित से क्या हो गया है, ध्रुवित, यानी कि अब जो उसका कंपन है वो केवल ही एक ही डायरेक्शन में बचा है, तो ऐसा कहेंगे कि प्रकाश क्या हो गया है, ध्रुवित। तो यहां से ये प्रकाश की किरण जो है, ये वाले सारे कंपन यहाँ पे ये अणु अवरुद्ध कर देंगे इनको,
और केवल और केवल एक ही दिशा के कंपन यहाँ से पार हो पाएंगे, और जो निर्गत प्रकाश होगा उस निर्गत प्रकाश को हम यहाँ पे कहेंगे दुर्बिद। तो इसलिए अदुर्बिद से दुर्बिद ये पोलराइड इसको करता है प्रकाश को, और ये इस प्रकार की एक युक्ति भी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कम लागत में अदुर्बिद प्रकाश को दुर्बिद करता है। अगर हम निकोल प्रिज्म की बात करें तो वो महंगा उपकरण है, लेकिन अगर इसकी बात करें पोलराइड की तो ये कम लागत में अदुर्बिद प्रकाश को दुर्बिद कर देगा। अब इस स्थिति को एक बार फिर से जो है नजर डालिए इस पे कि किस तरीके से होता है। जैसे कोई भी प्रकाश है और कोई भी प्रकाश संचरण की दिशा मान लो इस तरीके से है, तो प्रकाश जब इस तरीके से संचरित होता है तो विद्युत क्षेत्र के जो कंपन होते हैं वो लंबवत भी होते हैं, इस तरीके से भी होते हैं। यानी कि अगर हम 360 डिग्री की बात करें, पूरे 360 डिग्री में उसके कंपन होते हैं, यानी सभी दिशाओं में उसके कंपन होते हैं। लेकिन जो आगे जो पोलराइड लगा है, जो फिल्टर लगा है, जो खिड़की लगी है, उस खिड़की में केवल मात्र एक ही छेद है। तो जैसे ये वाला जो कंपन आ रहा है वो भी अवरुद्ध हो जाएगा, अच्छा ये वाला कंपन ये भी अवरुद्ध हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आने वाला कंपन भी अवरुद्ध हो जाएगा, लेकिन जो कंपन लंबवत होगा वो इस फिल्टर में से, वो इस पोलराइड में से पार हो पाएगा, और बाकी सारे कंपन अवरुद्ध हो जाएंगे भले वो कौन से भी डायरेक्शन में हो, और लंबवत कंपन क्या हो जाएंगे, पार। तो इसीलिए जब सारे कंपन रुक जाते हैं और केवल एक ही दिशा का कंपन पार हो पाता है तो उस प्रकाश को हम दुर्बिद प्रकाश कहते हैं। ये दुर्बिद प्रकाश की परिभाषा भी हमें कहते हैं। तो इस तरीके से आपको पोलराइड को समझना है और इस तरीके से उसके डायग्राम को भी। लेकिन स्थिति इंपॉर्टेंट ये है कि जो कार्बनिक क्रिस्टल है, जो ये अणु है, वो किन से बने होंगे, पुनेम के आयोडोसल्फेट से, और जो पतली फिल्म बन रही होगी वो नाइट्रोसेल्युलोज की बन रही होगी, और एक कांच की स्पेशल एक स्ट्रक्चर होगी उसमें इसको व्यवस्थित किया जाएगा और जो है युक्ति आपके पोलराइड की बन जाएगी। अब इसका उपयोग क्या क्या है, कहाँ पे इसको काम में लिया जाएगा। तो क्लोराइड वैसे भी हम कहते हैं कि प्रकाश को अवरुद्ध करता है, प्रकाश को कम करने की कोशिश करता है, उसे दुर्बिद करने की कोशिश करता है। तो क्लोराइड का उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में इसलिए किया जाता है कि जब भी गाड़ी चला रहा होता है ड्राइवर, तो सामने से जो भी गाड़ियां आ रही है उनका प्रकाश बहुत ज्यादा उसके लिए हावी होता है और वो एक अवरुद्ध का काम भी करता है। तो इसीलिए जो भी प्रकाश, एक तीव्र प्रकाश जो सामने से आ रहा है, उस प्रकाश को दुर्बिद करना पड़ेगा, उस प्रकाश को कम करना पड़ेगा, तभी वो ड्राइवर आगे की साइड देख पाएगा। तो इसलिए गाड़ियों की हेडलाइट में स्पेशल प्रकार का पोलराइड होता है और वो उसे दुर्बिद यानी कि कम करता है। और दूसरा इसका उपयोग है 3D डायग्राम, जितने भी हम देखते हैं जो 3D होते हैं, तीनों अक्षरों में जो डायग्राम होते हैं, उन डायग्राम को देखने और बनाने में पोलराइड का उपयोग किया जाएगा। यानी प्रकाश की एक ऐसी व्यवस्था वहां पे बनाई जाएगी कि डायग्राम 3D दिखे या 3D बने, तो वो स्थिति होगी इसका दूसरा उपयोग। और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए तो हमें फाइनली मैक्सिमम ऐसा कहें कि चार उपयोग लिखने होते हैं। अणुओं का आकार पता करने में, अब जो अणु यहाँ साइड में आप दोनों जो अणु देख रहे हो, जो भी अणु यहाँ पे इसके रास्ते में आ रहे हैं, उनका यदि आकार हमें यहाँ पे पता करना है तो दूसरी किरण, तीसरी किरण, इस तरीके से बहुत सारी किरणों को आपतित करवा के इन अणुओं का आकार हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये उपयोग भी होगा कि सूक्ष्म अणु जितने भी है उनका आकार पता करने के लिए क्लोराइड होगा। अच्छा, चौथा जो इसका उपयोग है, धूप के चश्मे में कई बार ऐसा होता भी है गर्मियों के मौसम में कि सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में धूप का चश्मा लगाया जाएगा। और वो धूप का चश्मा जो कांच होता है उसमें भी असल में व्यवस्था कुछ ऐसी होगी जिसके कारण जो किरणें हैं उनका प्रभाव कम होगा और आंखों के लिए वो प्रकाश नुकसानदायक नहीं होगा। तो ये स्थिति बनती है, इसके लिए चार उपयोग आपको लिखने होते हैं। अच्छा, परिभाषा आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है और डायग्राम भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अब हम चलते हैं दुर्बिद व अदुर्बिद प्रकाश के संसूचन की तरफ। संसूचन मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि प्रकाश का संसूचन किस तरीके से किया जाएगा। जैसे कि अगर कोई पोलराइड हमारे पास है तो उस पोलराइड के द्वारा हम किस तरीके से पता करेंगे कि वो प्रकाश अदुर्बिद है या दुर्बिद है। तो बात बहुत ज्यादा सिंपल है कि अदुर्बिद प्रकाश का संसूचन हम किस तरीके से करेंगे। जैसे हमारे पास कोई पोलराइड है और वो इस तरीके का है, और यदि कोई प्रकाश यहाँ से गुजर रहा है और वो प्रकाश हमें आगे निर्गत प्रकाश के रूप में प्राप्त हो रहा है, निर्गत प्रकाश, तो मैं यहाँ पे करूंगा क्या कि स्थिति को जानने के लिए इस पोलराइड को घुमाऊंगा, यानी कि थीटा यदि 0 डिग्री है तो मैं इसे घुमा करके 90 डिग्री कर दूंगा और उसके बाद भी घुमा कर देखूंगा। तो जैसे ही मैं इसको घुमाता हूँ और आगे जो निर्गत प्रकाश मेरे को मिलता है, जैसे प्रकाश पोलराइड में से गुजरा है तो दुर्बिद तो हो ही गया है वो इस तरीके से, लेकिन पता कैसे चलेगा कि ये प्रकाश जो कि पहले कैसा भी था मान लो वो
वो प्रकाश आगे इस तरीके से प्राप्त हुआ है तो क्या वो प्रकाश पहले ध्रुवित था या अध्रुवित था, तो वो स्थिति जानने के लिए मैं इसे घुमाऊंगा। जब भी मैं इस पोलराइड को घुमाऊंगा और देखूंगा यहाँ पे पहले यहाँ पे कितना था, लेकिन जैसे 90 डिग्री से इसको मैं घुमाऊंगा, फिर उसके बाद भी घुमाऊंगा, तो यदि यहाँ पर स्थिति अगर अपरिवर्तित रहती है, अगर स्थिति अपरिवर्तित रहती है तो मैं कहूंगा कि वो प्रकाश है जो अध्रुवित है, और यदि स्थिति चेंज होगी, जैसे पहले जो प्रकाश अपरिवर्तित से क्या लेना देना है, अपरिवर्तित आप किस तरीके से पहचानोगे कि निर्गत प्रकाश जो आपको प्राप्त हो रहा है, यदि उसकी जो तीव्रता है, तीव्रता को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यदि उसकी तीव्रता अपरिवर्तित रहे, यदि शून्य थी तो शून्य रहे, कुछ और मैक्सिमम तीव्रता थी तो मैक्सिमम रहे, तो यदि पीछे कोई प्रकाश आ रहा है और यदि स्थिति वो बनी कि आपको तीव्रता कैसे मिली, मैक्सिमम यानी कि अधिकतम तीव्रता मिली, और जब मैंने इसको घुमाया तब भी ये मैक्सिमम रही, जब इसको मैं और घुमाया 180 डिग्री से घुमाया तब भी मैक्सिमम रही, अच्छा 360 डिग्री तक घुमा दिया फिर भी क्या रही, मैक्सिमम, तो हम समझ जाएंगे तुरंत कि वो प्रकाश कौन सा है, यहाँ पे एक अध्रुवित प्रकाश है, और एक अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जिसमें सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के कंपन हो रहे हो, वो अध्रुवित प्रकाश होगा। तो यदि तीव्रता एज इट इज रही है, वो कहीं नहीं गई है, तो हम कहेंगे कि वो प्रकाश अध्रुवित है। कैसे, सबसे पहले तो अध्रुवित प्रकाश जैसे ही पोलराइड में से गुजरता है वो क्या हो जाता है, ध्रुवित, तो ध्रुवित की स्थिति हमें मिल रही है। अब फाइनली हम ये देखेंगे कि घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, घुमाने से कोई फर्क कैसे, कि यदि मैं इसको ऐसे कर देता हूं, भाई पहले ये था तो यहाँ पर ये वाला जो कंपन है ये आर पार हो पाया और आगे प्रकाश आपको कैसा मिला, ध्रुवित। यदि मैं इसको 90 डिग्री से घुमा करके ऐसे खड़ा कर देता हूं तो यहाँ पे अब की बार ये नहीं बल्कि ये वाला कंपन क्या हो जाएगा, पार, और फिर भी प्रकाश आपको कैसा मिलेगा, एक ध्रुवित प्रकाश मिलेगा, एक ही दिशा में कंपन मिलेगा, पहले 37 दिशा में था, अब कौन सी दिशा में होगा, लंबवत, फिर से मैंने इसको घुमा करके फिर से ऐसा कर दिया तो अब भी स्थिति क्या बनी है, ध्रुवित की, यानी फाइनली अगर परिवर्तित ना हो कैसे भी घुमाओ आप तो हम कहेंगे कि वो जो पीछे प्रकाश था वो कौन सा था, अध्रुवित था। और अब इसका जस्ट उल्टा कि यदि यहाँ पे अध्रुवित प्रकाश की जगह हमें ध्रुवित प्रकाश का संसूचन देखना है, एक ध्रुवित प्रकाश का संसूचन, तब हम क्या करेंगे, जैसे यदि मैं इसी तरीके का एक पोलराइड यहाँ पे रखता हूं और यहां से कोई भी प्रकाश मैं उस पोलराइड में से गुजारने की कोशिश करता हूं तो आगे मेरे को यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रकाश मिलता है, प्रकाश में कहूंगा कि ध्रुवित प्रकाश है। अब यदि मैं इस पोलराइड को 90 डिग्री से घुमा देता तो घुमाने के बाद तुरंत यहाँ पे जो तीव्रता, पहले हमें कौन सा प्रकाश मिला, ध्रुवित मिला प्रकाश है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही मैं इसको घुमाता हूं तो वहां तुरंत प्रकाश क्या हो जाता है, शून्य, अंधेरा हो जाता है। जैसे 90 डिग्री से घुमाया तो वहां पे तीव्रता यानी इंटेंसिटी कितनी हो गई, शून्य हो गई, तब मैं कहूंगा कि पीछे आने वाला प्रकाश कैसा प्रकाश था, ध्रुवित प्रकाश था। तो इस तरीके से आपको अध्रुवित या ध्रुवित प्रकाश का पता यदि करना है तो आप पोलराइड जैसी युक्ति से कर सकते हैं। यदि तीव्रता आपको तीव्रता अगर अपरिवर्तित रही, समान रही तो अध्रुवित, यदि तीव्रता बदलती रही, कम होती गई या ज्यादा चली गई तो हम कहेंगे कि वो ध्रुवित प्रकाश है। अच्छा, एक स्थिति इसकी और है, और स्थिति क्या है तीसरी, कि यदि हमारे पास प्रकाश न तो ध्रुवित है और न ही अध्रुवित है, यदि प्रकाश आंशिक ध्रुवित है, आंशिक ध्रुवित प्रकाश आपको मिला है तो आप क्या करेंगे, तो यदि आंशिक अध्रुवित प्रकाश का पता करना है, हमें नहीं पता कि वो आंशिक ध्रुवित है या कैसा है, अध्रुवित है, तो यदि प्रकाश किसी पोलराइड में से गुजारने के बाद आपको इस रूप में मिले तो वो ध्रुवित प्रकाश है, लेकिन जैसे ही इसको मैंने घुमाया तो आगे घुमाने के बाद ये इसको मैंने घुमा दिया तो घुमाने के बाद स्थिति बनती है कि यदि तीव्रता ना तो शून्य हो और ना मैक्सिमम रहे, यानी तीव्रता क्या हो, कुछ भी हो जाए तीव्रता, लेकिन थीटा जीरो से लगाकर 90 के बीच कितना भी हो घुमाया जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रकाश आपको प्राप्त हो रहा है वो एक ध्रुवित प्रकाश ना होकर, एक अध्रुवित प्रकाश ना होकर के आंशिक ध्रुवित होगा, यानी कैसे भी स्थिति में वो कम ज्यादा हो सकता है लेकिन वो शून्य नहीं होगा, और जब शून्य नहीं होगा और मैक्सिमम भी नहीं होगा, यानी शून्य और मैक्सिमम के बीच की स्थिति रहेगी तो हम कहेंगे कि पीछे जो प्रकाश आया
वो प्रकाश फाइनली क्या था, आंशिक द्रव्य। तो ये स्थिति होती है जब तीव्रता अपरिवर्तित या मैक्सिमम रहती है तो हम उसे कहेंगे कि वो प्रकाश कैसा है, अद्रव्य। लेकिन जब तीव्रता क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तो हम कहेंगे कि वो द्रव्य है। और न तो शून्य हो और न मैक्सिमम, दोनों के बीच की स्थिति यदि रहेगी तो हम कहेंगे कि वो किस तरीके का प्रकाश है, एक आंशिक द्रव्य प्रकाश है, यानी वो कम द्रव्य किया हुआ है। तो दोस्तों अब हम ध्रुवण पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं। जैसे कि आपका जो पहला प्रश्न है वो ये है, किसी पारदर्शी पदार्थ की पट्टिका पर जब आपतन कोण 60 डिग्री है, जब आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तित किरण जो है वो पूर्णतः ध्रुवित होती है। जब 60 डिग्री का एंगल रखा जाए दोनों के मध्य, तो किरण जो होगी वो पूर्णतः क्या होगी, ध्रुवित। तो पदार्थ का आपको अपवर्तनांक बताना है और पदार्थ का जो आपतन कोण है वहां पे जो बन रहा है, आपतन कोण आर का मान वहां पे आपको फाइंड आउट करना है। तो हमें आपने सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा कि हमें प्रश्न में दिया है और क्या दिया है, ये दिया है कि जो कोण है आपतन कोण, और आपतन कोण को हम वहां पे आई पी कहेंगे, और जो कि ध्रुवण की घटना है तो यहाँ पे आई के साथ हम पी लगाएंगे और वो आपको देगा कितने डिग्री, 60 डिग्री। लेकिन हमें ये भी पता है कि टेन आई पी अगर मैं करना चाहूं तो वो बराबर होती है एन के, यानी कि एन यहाँ पे पदार्थ का क्या है, अपवर्तनांक। तो यदि हमें एन यानी पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है तो हम टेन आई पी करेंगे कैसे, कि n इज इक्वल टू 10 और हमारे पास थीटा जो है वो 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री वैसे भी क्या हो जाना है, अपने रूट 3 हो जाना है। तो फाइनली पदार्थ का जो अपवर्तनांक होगा वो रूट 3 होगा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे पूछा है कि आपतन कोण कितना होगा, तो जैसे हमने एक फॉर्मूला वहां पे व्युत्पन्न भी किया है कि दोनों जो एंगल होते हैं यानी ध्रुवण कोण प्लस ये वाला यानी कि आपतन कोण, वो कुल मिला के कितने डिग्री होते हैं, 90 डिग्री। तो यहाँ अगर मैं R निकालना चाहता हूं तो 90 माइनस क्या करना पड़ेगा, IP करना पड़ेगा, और वो कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। तो फाइनली R जो आपका होगा वो 90 माइनस 60 यानी कि 30 डिग्री होगा। तो इस तरीके से ये एंगल भी आप यानी कि आपतन कोण भी निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है वो भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा, ये दोनों एंगल जैसे कि हमने उस घटना में पढ़ा है कि जो भी किरण आपतित होती है और आपतित होने के बाद किरण इस तरीके से परावर्तित हो जाती है, तो किरण का यहाँ पे परावर्तन भी होता है ध्रुवण के समय और किरण का अपवर्तन भी होता है। अच्छा, जिस एंगल से किरण आ रही थी यानी अभिलंब के साथ जो कोण बनाते हैं उसे हमेशा ही हम आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे घटना ध्रुवण की है तो आई पी रहेगा, और ये दोनों कोण हमेशा ही बराबर होते हैं, ये परावर्तन के नियम में हमने पढ़ा है। तो ये कोण भी कितना हो गया, आई और पी, और यहाँ ये जो कोण होगा वो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे आपके एंगल आर को। तो दोनों हमने डेरिवेशन की पढ़ा है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों कुल मिला के कितने होते हैं, 90 डिग्री के, क्योंकि ये जो किरण है ये किरण इस किरण के साथ हमेशा ही 90 डिग्री का कोण बनाती है और यहां से यहां तक 180 है। तो अगर मैं इस 180 में से 90 डिग्री माइनस करता हूं तो फाइनली मेरे पास कितना आता है, 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल कोण आई पी प्लस ये वाला आर कुल मिला के कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो यहां से मैंने ये बात उठाई है और यहाँ ये चीज आर इज इक्वल टू 30 डिग्री मेरे पास प्राप्त हो रहा है। तो अब आपका जो दूसरा प्रश्न है वो ये है, एक ध्रुवक और विश्लेषक अक्ष के एक दूसरे के समांतर है, तो निर्गत तीव्रता आपकी I0 प्राप्त होती है यदि विश्लेषक को क्या किया जाए कि 45 डिग्री से घुमा दिया जाए तो निर्गत जो तीव्रता होगी, तब निर्गत तीव्रता कितनी होगी। तो एक बार इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले जो दोनों फिल्टर है या ध्रुवक कह लो वो एक दूसरे के समांतर है इस तरीके से, ये तो दोनों खिड़कियां एक दूसरे के समांतर है, तो जो भी निर्गत प्रकाश होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम तो होगा ही साथ ही, लेकिन ध्रुवित भी होगा। यदि यहाँ पे ये जो दूसरी वाली खिड़की है जो विश्लेषक है इसे यदि 45 डिग्री से घुमा दिया जाए, यानी कि अब इसे ऐसा नहीं बल्कि कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ 45 डिग्री से इसको घुमा दिया जाए तो इस तरह क्या बनेगी, प्रकाश होगा वो उसकी तीव्रता कितनी होगी, क्या वो मैक्सिमम होगा, क्या वो मिनिमम होगा, और यदि उसकी तीव्रता होगी तो कितनी होगी। तो जैसे भी आपको थीटा दे रखा है यहाँ पे 45 डिग्री सबसे पहले तो, और दूसरी बात यदि की जाए तो हमें पता है मैलस के नियम से, मैलस के नियम से क्या पता है कि जो तीव्रता होती है यानी फाइनली जो आई डैश आपका प्राप्त होता है कुल मिला के I0 cos² थीटा के।
बराबर होता है। तो यहाँ पर यदि मैं यहाँ निर्गत जो तीव्रता है वो निकालना चाहूँ तो फाइनली आपका आई जीरो तो है ही, लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री है। अच्छा, वन अपॉन रूट दो तो होगा ही, लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर भी होगा और क्या होगा आपका आई जीरो यहाँ पे प्राप्त होगा, यानी कि नई वाली जो तीव्रता है, जो निर्गत तीव्रता है। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करोगे तो जो तीव्रता कुल मिला के है वो आपको इतनी मिल जाएगी। इतनी का मतलब क्या है, रूट दो का स्क्वायर भी आपके पास दो हो जाएगा। तो यहाँ पे आई जीरो अपॉन दो, ये स्थिति आपको मिलेगी जो कि निर्गत तीव्रता के रूप में होगी यदि आप उसे 45 डिग्री से घुमा रहे हैं। अच्छा, तीसरा प्रश्न देखिए, दो ध्रुवक प्लेटों के अक्ष परस्पर एक दूसरे के समांतर, फिर से समांतर वाली स्थिति हो रही है, तब उनसे पारगमित प्रकाश की जो तीव्रता है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है। अक्ष को कितना घुमाया जाए कि प्रकाश की जो तीव्रता है वो कुल मिला के आधी रह जाए, यानी अक्ष को अब कितना घुमाओगे आप कि तीव्रता कितनी रह जाए आधी। तो फाइनली आपको ये यहाँ पे सॉल्यूशन करना है कि यहाँ पर जो निर्गत तीव्रता है, निर्गत तीव्रता आप उसे मान लीजिए आई जीरो है, और जो आपकी पहले की जो अधिकतम तीव्रता है, यानी जो आपको प्राप्त हो रही है अधिकतम तीव्रता, वो कितनी है वो आप मान लीजिए कि वो आई डैश है, या फिर इसे आई भी मान सकते हैं। और प्रश्न में ये कहा गया है कि आधी रह जाए, तो आधी से क्या मतलब है कि आई जीरो जो है वो कितनी रह जाए गुणा कर दूंगे 1/2 से, यानी कि इतनी रह जाए। और हमने यहाँ पे मेलस का नियम पढ़ रखा है, मेलस का नियम ये कहता है कि आई जो होता है, यानी जो तीव्रता नई वाली होती आई या फिर आई डैश, वो आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा के हमेशा ही क्या होता है बराबर। तो यहाँ पर यदि मैं इस आई की जगह ये पुट करता हूँ तो आपको ये मिलता है कि आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आई जीरो अपॉन क्या है आपके पास, ये टू लिख देता हूँ इसी तरह, है ना। तो आई जीरो से आई जीरो तो कैंसिल हो ही जाना है। अच्छा, साथ ही कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको कितना मिलना है ये वाला, और अगर मैं यहाँ पे कॉस थीटा देखूं तो वो आपके पास यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 का स्क्वायर, और जब भी आप इस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, तो यहाँ पे 1/4। तो फाइनली आप यदि यहाँ से कॉस का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ये जो आपके पास कॉस थीटा है, कॉस थीटा को मिला के अब ये थीटा में देखना है कि थीटा का मान कितना हो जाएगी, स्थिति रूट मिलेगा यहाँ पे आपको 1/√2। तो कॉस थीटा कब √2 होगा ये भी स्थिति ध्यान रखनी है। तो कॉस थीटा रूट ये 1/√2 होगा जब भी थीटा का मान कितना रखोगे 45। तो यदि इसे 45 डिग्री से घुमा दिया जाए तो जो प्रकाश की तीव्रता है वो कितनी रह जाएगी यहाँ पे, आधी रह जाएगी। तो आपको मेलस का नियम है वहां पे ये चीज पुट करनी है कि तीव्रता कितनी है आधी, तो जब भी मेलस के नियम में तीव्रता आधी रखोगे तो थीटा कितना आपको प्राप्त होगा यहाँ पे 45 डिग्री। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन सारा आपको करना है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे जैसे कि तीव्रता आधी रह जाए, और अगर पूछ लिया जाए कि तीव्रता 1/4 रह जाए, तो वहां भी आप क्या करेंगे कि आई जीरो यानी कि 1/4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये जब यहाँ पे आप पुट करेंगे, जब प्रश्न में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ हो कि 1/4 रह जाए, तो आप इसे 1/4 के रूप में देखोगे, और जब भी आप इसे 1/4 के रूप में देखोगे तो फाइनली यहाँ पे 4 होगा। अच्छा, यहाँ पे जब भी आप ये इधर ट्रांसफर करोगे तो 4 का रूट कितना हो जाएगा फिर से 2, तो cos 1/2, और cos 1/2 की स्थिति कब बनती है, cos 1/2 जब भी आप चौथाई का मान रखोगे, जब थीटा कितना हो 60 डिग्री, तो जब भी थीटा 60 डिग्री होगा तो तीव्रता का मान कितना रह जाएगा, निर्गत तीव्रता का मान वहां पे कुल मिला के 1/4 रहे। तो दोनों ही प्रश्न इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।